हाय गाइज़ वेलकम बैक टू आई एल एम अकेडमी एंड टूडे इन दिस वीडियो वी आर डूइंग अ न्यू टॉपिक ठीक है ट्रिग्नोमेट्रीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का ही न्यू टॉपिक है ठीक है तो इसके अंदर जो है uh, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लगा के साइडस को फाइंड किस तरह करना है अगर कोई साइड अन नोन अच्छा पहली चीज़ तो यह है कि साइड अन मतलब कि आपको पहले सिर्फ उन्होंने एंगल दिया था कि साइन सिक्सटी सेवन निकाल दें साइन फोर्टी निकाल दें टेन ये निकाल दें पिछली वीडियोज अगर आप देखो ना मगर इसके थ्रू साइड्स निकालना उन्होंने नहीं बताया था मगर इसके कुछ फार्मूले बताए थे उन्होंने जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूले ठीक है अगर लाइक फार्मूला था हमारे पास साइन का तो साइन का हमारे पास फार्मूला था कि साइन और उसका जो भी एंगल है ठीक है इज इक्वल्स टू तो क्या होता है ओपोजिट Divided by hypotenuse, ठीक है उसके बाद आपके पास था कॉस ठीक है कॉस का जो भी एंगल है वो उसका था adjacent divided by hypotenuse, ठीक है और थर्ड वन था हमारे पास जो था वो था टेन ठीक है टेन उसका जो भी एंगल है और ये था ओपोजिट डिवाइडेड by adjacent, ठीक है अब बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऑपोजिट एडजेसेंट वगैरह क्या होता है और मतलब मैंने एक पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ पूरा डिटेल में समझा चुका हूँ मगर इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए फिर से बता देता हूँ तो यार ये देखो ये हमारे पास 90 के एंगल बन रहे ठीक है।, है अब 90 के एंगल को जो चीज़ जो लाइन फेस कर रही है बिल्कुल 90 के एंगल के ऑपोजिट है उसको हम हाई कहते हैं ठीक है और एक होता है ओपोजिट ठीक है ओपोजिट का मतलब ये होता है कि फर्ज करो अगर उसने हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है ठीक है ये वाला तो इसके जो ऑपोजिट होगा इसके जो ऑपोजिट लाइन होगी उसको हम ऑपोजिट लेंथ लेंगे और इसके जो बिल्कुल साथ लाइन होगी उसको हम एडजेसेंट लेंथ लेंगे ठीक है बाकी अब हम जो है वो क्वेश्चन में करेंगे ठीक है तो यार सबसे पहले देख लो कि हमारे पास ये ए पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा एक ट्राइंगल बनी हुई है ठीक है क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँ इसको मैं फार्मूलाज इसको रेज कर देता हूँ ठीक है क्योंकि आप लोगों को इस अगर कहीं पे नोट डाउन करने हैं तो कर लो ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ठीक है अब आपको क्वेश्चन क्लियर नज़र आ रहा होगा अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो उन्होंने एक साइड जो है ना वो हमें ए सेंटीमीटर दी हुई है ए सेंटीमीटर का मतलब ये हमने साइड फाइंड करनी है मगर आप एक गौर करो उसमें हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है हमें एंगल की ओपोजिट वाली लेंथ दी हुई है ठीक है एंगल है सिक्सटी सेवन उसके ऑपोजिट जो लेंथ है वो ए है और दूसरा हमें दिया हुआ है नाइन्टी डिग्री के ओपोजिट वाली मतलब हाई पोर्टनस दिया हुआ है हाई पोटनेस दिया हुआ है अब हमें कोई भी एक लेंथ और एक एंगल चाहिए होता है दूसरी लेंथ फाइंड करने के लिए तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा ओपोजिट डिवाइडेड बाय हाई पॉटनस ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाई दि� पोटनस किस का फार्मूला है वो साइन का है तो आप क्या लिखोगे साइन सिक्सटी सेवन क्योंकि एंगल की जगह लिखूंगा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट हमारे पास ए है डिवाइडेड बाई हाई पॉर्टनस हमारे पास फिफ्टीन है ठीक है अब ये इधर ए से डिवाइड हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन से तो फिफ्टीन साइन सिक्सटी सेवन ठीक है इज इक्वल्स टू ए अब ये आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए इस तरह का ये देख रहे हो आप ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा आपकी लेफ्ट साइड पे यह है साइंटिफिक कैलकुलेटर इसके ऊपर मैंने सिर्फ डायरेक्ट टाइप करना है फिफ्टीन उसके बाद मैंने साइन का बटन दबाना है और फिर आगे मैंने लिख देना है सिक्सटी सेवन और इक्वल का बटन दबा देना है तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो हमारे पास आएगी थर्टीन पॉइंट एट जीरो या आप इसको थर्टीन पॉइंट एट भी खाली ले सकते हो ठीक है और ये होगी सेंटीमीटर्स में ठीक है ये हो गया हमारा क्वेश्चन वन अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन टू पे ठीक है अच्छा क्वेश्चन टू मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन टू के अंदर हमारे पास दो लेंथ मिसिंग है मगर एक दी हुई है उन्होंने मेन चीज होती है कोई भी एक लेंथ देना तो सबसे पहले तो इस पर साइन हम लगाएंगे क्योंकि हमारे पास देखो एक उन्होंने ऑपोजिट भी दी हुई है लेंथ ऑपोजिट में ये है और डि हाई पॉटनेस ये है तो सबसे पहले हम ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाई पॉटनेस वाला लगा के ए फाइंड कर लेते हैं क्या होगा जी साइन थर्टी फोर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट के हमारे पास ए डिवाइडेड बाय ट्वेल्व मतलब हाई पॉटनस ये ट्वेल्व जब इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये बन जाएगा ट्वेल्व साइन थर्टी फोर इज इक्वल्स टू ए अच्छा ट्वेल्व साइन थर्टी फोर इसी तरह अपने कैलकुलेटर में लिख देना है जी ट्वेल्व फिर साइन का बटन फिर थर्टी फोर और फिर इक्वल तो ये आपके पास सिक्स पॉइंट सेवन वन सेंटीमीटर आ जाता है ठीक है ये अब आपके पास आ गया है ए इज इक्वल्स टू ए है अब हमने फाइंड करना है बी बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बी के लिए हमें क्या करना है कि हमने पहले देखना है कि बी पे हमारे पास क्या आ रहा है ये होती है ये वाली साइड जो होती है जो एंगल के बिल्कुल साथ हो इसको कहते हैं एडजेसेंट एडजेसेंट और हाई हमें ये दो चीज़ें लेनी है तो एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाई किस चीज़ का फार्मूला है वो कॉस का फार्मूला है कॉस इज इक्वल्स टू कॉस थर्टी फोर इज इक्वल्स टू एडजेसेंट जो है हमारे पास बी है ठीक है डिवाइडेड बाई हाई पॉडनस हमारे पास ट्वेल्व है तो ट्वेल्व कॉस थर्टी फोर हो जाएगा और इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा तो इसी तरह कैलकुलेटर में ट्वेल्व लिखो फिर कॉस का बटन दबाओ फिर थर्टी फोर लिखो और एंटर कर दो तो आपके पास नाइन पॉइंट नाइन फाइव की वो लेंथ आ जाएगी राउंड ऑफ करके ठीक है सेंटीमीटर ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर टू कि अगर हमें दो मिसिंग तो उसमें से हमने किस तरह फाइंड करना है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है इस पर आपको टाइम ज्यादा लगेगा ठीक है देखो यार तो डिवीजन तो करके अंदर तीन हैं ठीक है पहली लेंथ जो है वो कहते हैं कि हमने फाइंड करनी है टी क्यू अब टी क्यू किधर है टी क्यू ये वाली लेंथ है ठीक है और ये फाइंड करने के लिए उन्होंने देखो एरो लगा के 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि ये जो लेंथ है ना ये वाली ये 25 सेंटीमीटर है ठीक है तो देखो एक लेंथ हमें दी हुई है एंगल भी इन्होंने अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूँ इतने को तो एक उन्होंने लेंथ भी दी हुई है एक एंगल भी दिया हुआ है इसका मतलब मैं टी निकाल सकता हूँ ठीक है तो टी क्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज ऑपोजिट डिवाइडेड बाई हाई लग रहा है इधर अब ऑपोजिट डिवाइडेड बाई हाई किसका फार्मूला होता है वो होता है साइन का तो हम क्या लिखेंगे जी साइन सिक्सटी इज इक्वल्स टू ऑपोजिट जो कि हमारे हम उसको टी क्यू लिखेंगे डिवाइडेड बाई हाई हमारे पास पच्चीस है ठीक है अब ये इधर मल्टीप्लाई हो गया ट्वेंटी फाइव साइन सिक्सटी हो जाएगा इज इक्वल्स टू टी क्यू इसी तरह आप अपने कैलकुलेटर पे आओ और ट्वेंटी फाइव साइन सिक्सटी कर लो और इसको इक्वल कर दो तो आज के पास पहला जो टी क्यू है वो तो मैं हमने फाइंड कर लिया टी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स फाइव ठीक हो गया ये हो गया हमारा टी क्यू ठीक है सेकंड चीज जो हमारे पास अब हमने फाइंड करनी है वो है पी टी ठीक है पार्ट टू हमारा है पी टी का अच्छा पी टी हमारे पास है किधर पहले तो उसको फाइंड कर लो वो ये वाली लेंथ है ठीक है ये पी टी है ठीक है अच्छा पीटी हमने फाइंड करनी है ठीक है इसके लिए सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि हमें अगर पी टी फाइंड करनी है तो अगर हम 60 का एंगल लें और ये वाली पूरी ट्रायंगल लें तो भी हमारे पास एक लेंथ नहीं है गिवन एक गिवन है 25 सेंटीमीटर ठीक है मगर अगर ये 25 सेंटीमीटर लगाओगे तो आपके पास पी एस की लेंथ आएगी पी टी की नहीं आएगी पी टी की फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ इस ट्रायंगल का इतने का ट्रायंगल का कोई एंगल चाहिए होगा और इतने ट्रायंगल का एंगल आप किस तरह फाइंड करोगे कि देखो अगर मैं बड़े ट्रायंगल को कंसीडर करूँ बड़े को तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं देखो एक एंगल हमें सिक्सटी गिवन है एक है नाइन्टी इधर तो सिक्सटी प्लस नाइन्टी माइनस वन एटी अगर मैं करूँ सिक्सटी प्लस नाइन्टी माइनस वन एटी तो हमारे पास जो है वो आंसर आता है थर्टी ठीक है तो हमने छोटी ट्रायंगल का एक फाइंड किया जो कि ये क्या है थर्टी डिग्रीज एंगल जो हमने फाइंड किया अब हम इसमें से निकाल सकते हैं अब हमारे पास एक लेंथ भी है 25 और हमारे पास एंगल भी है 30 और अब हम पी टी निकाल सकते हैं ठीक है तो पी टी के ऊपर फार्मूला क्या लगेगा देखो ये हमें 25 गिवन है ऑपोजिट मगर हमारे पास हाई पोर्टनेस हाई पॉटनेस नहीं हमने एडजेसेंट निकालना है तो हमारा फार्मूला लगेगा ओपोजिट डिवाइडेड बाई एडजेसेंट और ओपोजिट डिवाइडेड बाई एडजेसेंट किस चीज़ का फार्मूला है वो टेन का फार्मूला है तो इधर हम क्या लिखेंगे टर्टी इज़ इक्वल्स टू ओपोज़िट क्या है हमारे पास ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई एडजेंट एडजेंट हमारे पास पी टी है जो हमने फाइंड करना है तो यार जब भी इक्वल के इक्वल uh, हो बीच में तो आप पी टी को इधर लिख सकते हो और पी टी की जगह आप इस टेन थर्टी को लिख सकते हो तो मैं बिल्कुल सेम उसी तरह कर रहा हूँ तो हमारे पास आ जाएगा पी टी इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टेन थर्टी इसको आपने कैलकुलेटर में भी सेम इसी तरह लिखना है पहले आपने लिखना है ट्वेंटी फाइव फिर आपने डिवाइड का साइन प्रेस करना है फिर आपने टेन का साइन प्रेस करना है और थर्टी लिख देना है इसको आपने एंटर कर दोगे तो आपके पास जो पी टी है वो फोर्टी थ्री पॉइंट थ्री ज़ीरो आ जाएगा ठीक है अब सेकंड जो चीज़ उसने हमसे मांगी है वो थर्ड uh, वन जो उसने हमसे मांगी है वो है पी आर और पी आर की जो वर्किंग है यार वो अच्छी खासी मुश्किल है ठीक है मुश्किल इस सिस्टम में है कि मतलब कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी ठीक है वैसे मुश्किल नहीं है वैसे ईजी है ठीक है तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी ठीक है पी सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसको हम कर देते हैं अरेज पूरे को ठीक है क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं अब हम करते हैं जी तीसरा पार्ट जिसमें हमने फाइंड करना है जी पी आर ठीक है पी आर का मतलब क्या है कि हमने ये पूरी लेंथ फाइंड करनी है बड़े ट्रायंगल की ये पूरी ठीक है और इसको फाइंड करने के लिए हमें पहले तो सबसे पहले इतना सा हिस्सा फाइंड करना पड़ेगा और इतना सा हिस्सा हमने एक एंगल फाइंड किया था थर्टी पिछले पार्ट टू को करने में अगर हम वही एंगल लें तो हम ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाई साइन लगा सकते हैं तो अगर मैं इधर लिखूं कि अगर मैं लगाऊं कि साइन थर्टी इज़ इक्वल्स टू ऑपोज़िट हमारे पास ट्वेंटी फाइव है डिवाइडेड बाय हाई ठीक है तो ये चीज़ हमारे पास जो है वो इस तरह करके बनेगी अब देखो अब आपके पास क्या आ जाएगा हाई पोटनेस इज़ इक्वल्स टू या मतलब हाई पॉटनस लिख लो या पी क्यू लिख लो एक ही बात है ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई साइन थर्टी ठीक है अब इधर मैं लिख लेता हूँ जी ट्वेंटी फाइव फिर डिवाइड का साइन फिर साइन एंड देन थर्टी तो ये हमारे पास जो है वो ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई साइन थर्टी एक मिनट ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई साइन थर्टी ओके ये आपके पास जो है फिफ्टी का आ रहा है ठीक है एस्टिमेटेड अच्छा दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि आपके पास पी क्यू आ गया ठीक है. है अब हमने क्या करना है अब ये हमने इसको निशानी के तौर पे लिख लेना है कि जी हमारे पास P से लेके Q तक किया अब हमें Q से R तक की चाहिए तो यार Q से R तक के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल जो है वो सपोज uh, करना पड़ेगा Q से R के लिए हमें ऑब्वियसली यार ये वाला ट्रायंगल सपोज करना पड़ेगा ये वाला ये जो है ये इतना ट्राइंगल हमें सपोज करना पड़ेगा और इतने ट्राइंगल में देखो हमें एक एंगल भी दी हुई है और एक मेजरमेंट भी दिया है फोर्टी फाइव एंगल दिया है ट्वेंटी फाइव मेयरमेंट दी हुई है यार 25 जो है इस एंगल का एडजेसेंट है और ओपोजिट हमने इसका फाइंड करना है तो अगर मैं टेन फोर्टी फाइव इज इक्वल्स टू ये होता है ओपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट ऑपोजिट हमारे पास क्या है क्यू आर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट हमारे पास है ट्वेंटी फाइव देन हमारे पास आ जाएगा जी ट्वेंटी फाइव टेन फोर्टी फाइव ठीक है तो ज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा जी क्यू आर ठीक है अब ये आपके पास जो है ना ट्वेंटी फाइव टेन फोर्टी फाइव आपके पास ट्वेंटी फाइव निकलता है ठीक है और ट्वेंटी फाइव अब अब आपने क्या करना है कि एक जो आपने पी से क्यू निकाला था ठीक है पी से क्यू आपने निकाला था फिफ्टी ठीक है और उसमें आपने जो है वो जो क्या उसका नाम लेते हैं ऐड कर देना है जी ट्वेंटी फ़ाइव ठीक है तो ये आपके पास जो लेंथ बनेगी फिफ्टी प्लस ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव ये आपके पास जो है ओरिजिनल आपकी पी से लेके आर तक की जो है वो लेंथ क्रिएट होगी ठीक है इसको आप सेंटीमीटर्स के अंदर लिख दोगे और ये आपका तीसरा पार्ट भी डन है ठीक है तो यार ये थी आपकी जिसे कहते हैं कि आपने साइन कोज लगा के लेंस किस तरह फाइंड करनी है ठीक है तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल